हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह जानकर काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि मैं कक्षा 4वीं की एट के डब्बे पुस्तक लेके आ चुका हूँ, वो भी विज्ञान की। ठीक है, तो जो विज्ञान की जो आपको एट के डब्बे पुस्तक मिली है स्कूल द्वारा नई वाली 2024-25 की, तो मैं उसका संपूर्ण सोल्यूशन करा चुका हूँ। साथ ही जो आपका अध्याय 11 है, यानी कि पार्ट 11 का रह गया था, तो मैंने सोचा पार्ट 11 भी आप लोग के सामने यहाँ पर करा दिया जाए। तो आपकी पूरी टोटल पार्ट 11 है आपके विज्ञान में, तो पूरे पार्ट मैंने करवा दिए हैं। ठीक है, अगर आपको कोई पार्ट छूट गया, कोई क्वेश्चन छूट गया हो, तो आप हर हमारे चैनल पर जाके, हमारे प्ले लिस्ट में जाके, वहाँ से भी आपको इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर लिखा है आप लोग सामने, यहाँ पर अध्याय 11, हमारे चारों ओर वायु। तो हमारे चारों ओर वायु, तो इससे संबंधित कुछ प्रश्न रहेंगे, उन प्रश्नों के उत्तर हम लोगों को लिखना है, साथ ही अपनी बुक में भरना है। किस प्रकार से लिखना है, किस प्रकार से भरना है, वो मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो में बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सब पता यहाँ पर लिखा साड़ी, इस साड़ी को पूर्ण करना है, तो ये पायावर के घटक है। तो इनमें जी आपके लिए सामने जल दिया है, अगर नहीं ये इनमें से कौन नहीं, तो वायु नहीं थी, तो मैंने यहाँ पर वायु भर दी है। ठीक है, चलिए इसी क्रम में बढ़ते हैं नेक्स्ट को। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर लिखा है वायु स्थान घेरती है, वायु में क्या क्या होता है वो लिखना है। तो जैसे इन्होंने लिखा है यहाँ पर वायु में जलवाष होता है, धुआं होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और धूल होती है, तो हमने लगता है गंध होती है, सर्दी गर्मी भी होती है। तो इस प्रकार से आप लोग वायु से संबंधित यहाँ पर जी भी भर देना है। अगला क्वेश्चन आप लोग सामने यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न, जो क्या है बहुविकल्पीय प्रश्न आप लोग सभी लोग जानते हैं, सही विकल्प, तो जिसमें आप लोग सामने चार ऑप्शन आए थे, चार ऑप्शन में से आपको एक को सही करना पड़ता है। तो पहला लिखा है बूजू ने खाली प्लास्टिक की बोतल ली, उसे उल्टा करके पानी से भरी बाल्टी में डुबो दिया, फिर उसने बोतल को थोड़ा झुकाया और निम्नलिखित परीक्षण किए। तो बोतल से हवा के बुलबुले निकले, कुछ पानी बोतल में भर गया, नाइट्रोजन गैस बुलबुले के रूप में बाहर निकली, ऑक्सीजन पानी में घुल गई और कोई बुलबुले नहीं बने, केवल पानी बोतल में भरा। तो इसका सीधा सीधा आंसर है आपका उत्तर 1 और 2, जिसमें आप लोग लिखोगे कि बोतल से हवा के बुलबुले निकले और कुछ पानी बोतल में भर गया। तो ये 2 है, तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए वाले ऑप्शन पर आपको ऐसे टिक लगाना है, हमने सही का राइट का चिन्ह लगाना, चिन्ह लगाने के बाद आपको उत्तर में यहाँ पर जो उत्तर लिखाना है यहाँ पर लिख देना है। इसी प्रकार से आपको सभी मतलब कि ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन है सही विकल्प में करना है। अगला दूसरा जिसमें लिखा पहेली ने एक गिलास में सूखी मिट्टी का एक टुकड़ा इन्हें डेला लिया और उसमें तब तक पानी डाला जब तक कि वो पूरी तरह से डूब नहीं गया, उसने बुलबुले निकलते हुए देखे, ये बुलबुले होते हैं तो किसके कारण होते हैं, तो ये वायु के कारण होते हैं। तो इसमें आपका लाइट का चिन्ह लगाना वायु पर, यहाँ पर वायु लिख देना है। ऐसा चलिए बढ़ते नेक्स्ट को। नेक्स्ट आप सामने यहाँ पर तीसरा वाला जिसमें लिखा है बूझो ने भीड़ पहरे चौराहे पर पुलिसकर्मी को मास्क यानी मुखौटा पहन कर यातायात नियंत्रण करते हुए देखा, पुलिसकर्मी ने मास्क क्यों पहना था। तो इसका सीधा आंसर लिखेंगे श्वास लेते समय हानिकारक गैसें और धूल कण का शरीर में प्रवेश रोकने के लिए। तो आपका ए सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इस पर आपको टिक लगाना और यहाँ पर उत्तर की जगह पर यहाँ पर लिख देना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें लिखा आपके फिल्मों एवं कार्टून चित्रों में दिया गया उपकरण यानी कि घूमते देखा हुआ है क्या बताता है। तो आपको इस प्रकार से चित्र देखा होगा, चित्र बताता है कि यह चलती हुई वायु की दिशा है। तो आपको इस प्रकार से इसमें ए ऑप्शन लगा देना है। तो इस प्रकार से आप लोग समझ जी हो जाएगा। अगला 5वां जिसमें लिखा अंतरिक्ष में पहुँचकर श्वास कैसे लेते हैं। तो जो अंतरिक्ष होते हैं, यानी कि जो अंतरिक्ष में होते हैं, जो मतलब कि वैज्ञानिक ऊपर जाते हैं ना आकाश में वहाँ पर खोज करने, तो वो सांस कैसे लेते हैं। तो आपको लिखना है बी वाला, अपने द्वारा ले गए ऑक्सीजन सिलेंडर द्वारा, मतलब कि जो अपने साथ भी ऑक्सीजन के सिलेंडर ले जाते हैं ऊपर, क्यों ऊपर पेड़ पौधे तो है नहीं, तो वो सांस ले सकें यानी ऑक्सीजन ले सकें, तो भी ऑक्सीजन के सिलेंडर ले जाते हैं, तो उससे भी अपनी सांस लेते रहते हैं। इस प्रकार से आप लोग सामने 5 सही विकल्प कंप्लीट हुए। अगला क्वेश्चन है आप लोग सामने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1.2 जिसमें आप लोग सामने इसमें लिखा है 1.2 में कि आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, नहीं निम्नलिखित शब्दों को अपने रिक्त स्थान या खाली स्थान में भरना है। तो चलिए किस प्रकार से भरना है, जैसे यहाँ पर जलवाष्प, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, परत, ये सब लिखिए। तो उनको सही क्रम में कैसे भरेंगे, तो पहला लगा पौधे द्वारा वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस सीधे अवशोषण नहीं की जाती है। तो आप लोग इस प्रकार से लिख लेंगे। फिर लगा दूसरा विभिन्न स्थानों एवं अलग अलग स्थानों और ऋतुओं में जलवाष्प की मात्रा समय समय पर बदलती रहती है, तब को दूसरे में जलवाष्प लिख देना। तीसरा है सूर्य कोई हानिकारक पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी के वातावरण को ओजोन परत सुरक्षित रखती है, तो ये तीसरी में हो जाए। 14 प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस आवश्यक है, किसी ज्वलनशील पदार्थ के दहन एवं जीवों एवं पौधों में श्वसन से आवश्यक गैस ऑक्सीजन है,
इस प्रकार से आप लोगों को पूरे क्रम अनुसार पूरे के पूरे रिक्त स्थान भर लेने हैं जो कि आप सामने यहाँ पर दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोग सामने यहाँ पर अति लघु तृतीय प्रश्न। अति लघु तृतीय प्रश्न आप लोग सही लोग जानते हैं, थोड़े छोटे छोटे प्रश्नों को उत्तर दें। पहला प्रश्न लिखा है वायुमंडल किसे कहते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा सरल क्वेश्चन है परंतु कुछ लोगों को नहीं आता है तो उनको मैं बता दूं कि किसी ग्रह के चारों ओर स्थित गैस एवं अन्य पदार्थों के घेरे को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल ग्रह के गुरुत्व आकर्षण के कारण ग्रह से चिपका रहता है। तो ये आपका वायुमंडल का क्वेश्चन पूरा हो जाए जो कि आप वीडियो को रोक कर पूरी तरह से लिख लेना है। अगला है तीसरा जिसमें लिखा वायु में उपस्थित विभिन्न अवयवों के नाम लिखिए, तो इसमें लिखा हमको आपको लिखना नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प तथा कुछ अन्य गैसों का मिश्रण। तो प्रश्न के बाद तीन का आंसर हो जाएगा। प्रश्न के बाद चौथे में लिखा है क्या कारण है कि जब हम नाक से सांस लेते हैं तो वायु में उपस्थित धूल के कारण हमारे श्वसन तंत्र में प्रवेश नहीं कर पाते हैं, क्या कारण है? तो वो लिखना है, तो आपको लिखना है नाक के छिद्रों में अनेक बाल होते हैं, जो अपने नाक होती है तो नाक में अपने बाल होते कि नहीं होते, तो बाल होते हैं जो कणों को नाक के भाग और नाजुक फेफड़ों को ऊतकों में प्रवेश करने से रोकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर चार का आंसर हो जाएगा जो कि आप वीडियो को रोक रोक कर पूरा पूरा लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर पाँच जिसमें लिखा है पाँच क्रियाकलापों की सूची बनाइए जो वायु की उपस्थिति के कारण संभव है। तो इसको लिखना है निष्पापन, बादल का बनना, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, पक्षियों का उड़ना। तो ये सब क्या वायु के ही कारण होते हैं। तो इस प्रकार से आपने पाँच लिख दिए। अगला आप लोग समय क्वेश्चन नंबर छः जिसमें लगा कारखानों की चिमनियाँ यदि छोटी बनाई जाए तो क्या होगा। जो कारखाने होते हैं जिन चिमनियों से धुआं निकलता है, अगर उन चिमनियों को छोटा बनाया जाए तो क्या होगा। तो वो लिखना अपन को टिप लिखेंगे चिमनी द्वारा निष्कासित धुआं विषैला होता है। जो चिमनियों द्वारा जो धुआं निकलता है वो विषैला होता है। यदि गर्म होने की वजह से यह तेजी से ऊपर उठता है और अपने आसपास की वायु को गर्म कर जाता है। यदि 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 चिमनी की को छोटी बनाई जाए तो उस स्थान की वायु गर्म और विषात्मक होने का भय रहता है। अगर वो चिमनी की छोटी बना दी जाए तो अपनी तरह की वायु गर्म हो जाएगी और विषैली भी हो जाएगी। तो इस कारण ये काफ़ी ज़्यादा डर रहता है या खतरा रहता है, इसलिए चिमनियों को हम ऊपर ऊंचा बना देते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग छः का आंसर कम्प्लीट हुआ है। अगला प्रश्न नंबर सात जिसमें लगा है जो आपका लघु तृतीय प्रश्न है जिसमें लगा आप कैसे दिखाएंगे कि हवा पानी में घुल जाती है, ये प्रयोग द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो इससे पहले आप लोगों को इस प्रकार से चित्र बना लेना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ये बुलबुले हैं, ये पानी है और ये बर्तन में अपन ने पानी भरा, नीचे जो मोमबत्ती की आग दी है। तो इस प्रकार से आपको चित्र बना लेना है। चित्र बनाने के बाद आपको लिखना है यहाँ पर यह दिखाने के लिए हम एक बर्तन में पानी लेते हैं और उसे गर्म करते हैं। पानी में उबलने से ठीक पहले आपका बर्तन की भीतरी सतह पर कुछ बुलबुले देखेंगे, ये बुलबुले पानी में घुली हवा के कारण बनते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर सात का आंसर हो जाएगा जो कि आप वीडियो को रोक कर अच्छी तरह से आसानी भाषा में लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर आठवां लिखा है वायुमंडल में ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का संतुलन कैसे बनना रहता है, लिखिए। तो आपको लिखना है वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच संतुलन बनाए रखने में वन यानी कि पेड़ पौधे वन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वृक्ष हरे रंग के होते हैं। हरे पौधे संश्लेषण के दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं और इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन छोड़ते हैं जो जंतुओं के द्वारा उपयोगी की जाती है। तो इस प्रकार से आप लोगों का प्रश्न आठ का आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नौ। नौ में लिखा है बर्फ़ से भरे गिलास की मैं बाहर की ओर पानी की बूंदें क्यों दिखाई देती हैं। तो इसका आंसर लगेंगे बर्फीली जल से भरे गिलास की बाहरी सतह का तापमान काफ़ी कम होता है जिसके कारण वायु में उपस्थित जलवाष्प की ऊर्जा ठंडे पानी से भरे गिलास की सतह पे के संपर्क में आकर कम हो जाता है, जल की बूंदों के रूप में नजर आता है। तो इस प्रकार से आपके सारे प्रश्न का नौ का आंसर पूरा आपको इस प्रकार वीडियो रुक रुक कर लिख लेना है। क्वेश्चन नंबर दस में लिखा वायुमंडल में यदि नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन की उपस्थिति पीछे मात्रा आपस में बदल दिया जाए तो वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका आंसर आप लोग इस प्रकार से लिखना, थोड़ा मैं लिखना भूल गया, तो आपको लिखना है पूरा सेम सेम यहीं से लिख देना है, यहाँ से लिख देना है वायुमंडल में नाइट्रोजन ऑक्सीजन की उपस्थिति प्रिय मात्रा को आपस में बदल दिया जाए तो वातावरण पर यहाँ पर यहाँ तक लिख देना, ठीक है। वायुमंडल से वातावरण पर आपको लिखना है यहाँ से बुरा प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, ऐसा लिख देना है।
ये पूरा यहाँ से पहले यहाँ तक लेकर वायुमंडल में फिर आपको ये जोड़ देना है, तो ठीक है इस प्रकार से आपको पूरा का क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11 जिसमें लिखा है आग बुझाने के लिए रेत या कंबल का उपयोग क्यों किया जाता है। जब आग बुझाई जाती है तो बहुत से लोग मट्टी डालते हैं, किसी को आग लग जाए तो जल्दी कंबल से उड़ा देते हैं, तो क्यों किया जाता है। तो आपको लिखना है आग को प्रज्वलित होने और जलते रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अगर आग जलती है या जलाना है तो ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसलिए आग बुझाने के लिए आप मिट्टी, रेत या गैर ज्वलनशील कंबल का उपयोग कर सकते हैं। एक बार जब आप ऑक्सीजन की सांद्रता कम कर देते हैं तो आप दहन प्रक्रिया को बाधित कर सकते हैं। ऐसा करना तब कठिन होता है जब एक बड़े क्षेत्र में बड़ी आग लगी हो। मान लीजिए आपको यह छोटी मोटी आग तो आप इस प्रकार से बुझा सकते हो, लेकिन अब जहाँ पर बड़ी आग लगी हो तो वहाँ पर इस प्रकार से नहीं बुझा सकते हो। तो इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर लिख लेंगे। दी गुत्ती प्रश्न आ जाते हैं आपके प्रश्न क्रमांक 12 से, जिसमें लिखा पवन चक्की का चित्र बनाकर उसका उपयोग बनाने लिखना है। तो सब पता हम लोग पहले पवन चक्की का चित्र बनाएंगे। तो पवन चक्की का चित्र आपको इस प्रकार से बना लेना है, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे। तो इस प्रकार से पवन चक्की का चित्र बना और पवन चक्की के उपयोग लिखने में, तो उपयोग क्या क्या होते हैं यानी पवन चक्की से क्या क्या कर सकते हैं तो वो लिखना है। तो सब पता लिखेंगे पवन चक्की का उपयोग हम पानी पंप करने या अनाज बेचने आदि के लिए हम करते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग इसका उपयोग भी लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर आपके सामने 13 जिसमें लिखा है पेड़ पौधों का प्रकाश संश्लेषण क्रिया को करना बंद करें तो प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कोई पांच कारण है, जैसे मान लीजिए पेड़ पौधे जो हैं वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया बंद कर दें तो हमारी पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ेंगे, उसके पांच कारण लिखने हैं। तो सब पता पहला कारण लिखेंगे आप लोग पृथ्वी पर ऑक्सीजन की कमी आ जाएगी, ठीक है पहला ये हो जाएगा। दूसरा लिखेंगे पृथ्वी पर तापमान अधिक हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा लिखेंगे अधिकांश जीव जंतुओं की मृत्यु हो जाएगी। चौथा लिखेंगे वायुमंडल का पूरा संतुलन बिगड़ जाएगा। पांचवा लिखेंगे पृथ्वी पर कई जानलेवा बीमारी भी उत्पन्न हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपके सामने आप क्वेश्चन नंबर 13 का पूरे आप लोग पाँच कारण लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 जिसमें लगा यदि हम किसी भवन निर्माण स्थल पर जाते हैं तो हमें मुँह से सांस क्यों नहीं लेना चाहिए। तो इसका आंसर लिखेंगे मुँह से सांस लेने पर वायु के साथ साथ धूल के कण कीटाणु का शरीर के आंतरिक भागों तक प्रवेश हो सकता है जो स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं, अतः मुँह से सांस लेना नहीं लेना चाहिए। आगे समझे। अब 14 में का बामा लिखा है यहाँ पर यदि गमले में लगे पौधों को मिट्टी से सूखने से पहले लगातार पानी दिया जाए तो क्या होगा। जैसे गमले में कोई पौधा लगा उसे हम लगातार पानी देते रहें तो क्या होगा। तो जैसा लिखना आपको यदि गमले में लगे पौधे को मिट्टी के सूखने से पहले लगातार पानी दिया जाए तो पौधे को ऑक्सीजन की कमी का सामना करना पड़ सकता है जिससे जड़ें मर जाती हैं और पौधे की शक्ति कम हो जाती है और साथ ही पत्तियों का पीला पड़ना और धीमी वृद्धि रुक जाना ज़्यादा पानी देने के लक्षण हैं। तो इस प्रकार से आप लोग जानो क्वेश्चन नंबर 14 का भाव वाला ऑप्शन भी सही कारण में अच्छा होगा मैंने लिख गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 जिसमें लिखा पानी तथा मिट्टी में रहने वाले जीवों और पौधों को ऑक्सीजन कैसे मिलती है विस्तार से समझाइए। तो इसका आंसर लिखेंगे पानी में वायु घुली होती है अथवा यानी अब मतलब सॉरी लिखना है पानी में वायु घुली हुई अवस्था में पाई जाती है। जलीय जीव व पौधे श्वसन के लिए पानी में घुली हुई इसी ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। इसी प्रकार का ऑक्सीजन मिट्टी के महीन छिद्रों में भी पाई जाती है। मिट्टी में विद्यमान इसी ऑक्सीजन का मिट्टी में रहने वाले जीवों और पौधों द्वारा उपयोग किया जाता है। तो जो अपने जो पेड़ पौधे होते हैं एक्चुअली जो मिट्टी में जीव जंतु रहते हैं या पानी में जो जीव जंतु रहते हैं तो उन्हें ऑक्सीजन कैसे मिलती है। तो पानी में ऑक्सीजन घुली रहती है साथ ही मिट्टी में भी ऑक्सीजन घुली रहती है तो वो वहाँ से प्राप्त करते हैं ऑक्सीजन और जीवित रहते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग सामने क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर पूरी तरह से कम्प्लीट हो गया है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सामने आप प्रोजेक्ट कार पहला प्रोजेक्ट कार एक में लिखा पवन चक्की का मॉडल बनाकर कक्ष में प्रवाहित करें, यानी कि जो पवन चक्की होती है उसका मॉडल बनाना है। तो आप लोग चाहें तो आप लोग अपने एक मॉडल बना के अपनी कक्षा में दे भी सकते हो। तो इस प्रकार से आपको चित्र बनाना है, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग नाम भी लिख लेना है जो यहाँ पर इसके जो पंखा है या वो इनको हम ब्लड भी बोलते हैं, ठीक है जी। आपका राउंडर है, ठीक है जी। आपकी स्टैंड है जहाँ पर वो खड़ी रहती है घूमने की दिशा वायु का टकराना है। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर प्रोजेक्ट कार पहला हो जाता है आपका प्रोजेक्ट कार। दूसरा आप लिखा अपनी फिरकीरी बनाइए तथा फिरकी को ठंडी में लगाकर डंडी में लगाकर पकड़िए और खुले क्षेत्र में विभिन्न दिशाओं में रखिए, आगे पीछे कीजिए और परीक्षण का अनुभव अपने शब्द में कीजिए। तो फिरकी आप लोग जानते कि नहीं जानते, तो फिरकी कहलाती है वो जो हम लोग किसी पत्ते की या किसी कागज़ की बनाते थे गोल गोल,
उसमें डंडे डाल के हम लोग दौड़ते थे, ये तो घूमने लगती थी है, तो वो कहलाती है फिर कि यार हम बोल सकते हैं कि छोटी वाली पतंग भी बोल सकते हैं। तो आपको ऐसे लगना है जब तेज़ हवा चलती है तो फिरकी भी तेज़ चलती है, ठीक है, जब अगर तेज़ हवा चलने लगे तो फिरकी भी तेज़ चलेगी, और दूसरा लगे जब हवा धीमी होती है तो फिरकी भी धीमी हो जाती है, जो दूसरा जब हवा फिरकी धीमी होती है तो फिरकी भी धीमी हो जाती है, तीसरा जब हवा चलना बंद हो जाती है तब फिरकी भी घूमना बंद हो जाती है, चौथा जब फिरकी को हम किसी भी स्थान पर पेंग पीछे करते हैं तो बंद हवा में भी फिरकी घूमती है, पाँचवा लगा फिरकी केवल एक दिशा में घूमती है जिस दिशा में हवा चल रही है। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आप लोग सामने पेन है यहाँ पर पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँच, पाँच ही अपन ने इनके लिख लिए फिरकी से संबंधित, वो आपका प्रोजेक्ट का दूसरा हो गया है। इसी क्रम में बढ़ते नेक्स्ट को, तो नेक्स्ट आप लोग सामने पार्ट नेक्स्ट पार्ट नहीं है आपके, मैंने कक्षा छः की विज्ञान का पार्ट एक से लेके पार्ट गया तक का मैंने संपूर्ण सोल्यूशन आपके सामने यहाँ पर कम्प्लीट करा दिया है। अगर आपका कोई विषय रह गया है कि हिंदी रह गया हो या इंग्लिश, जो विषय के नहीं हुआ जो नहीं गया व्यवस्था, वो बेहचक हमें कमेंट करें कि सर इस विषय का लाइए वीडियो, तो मैं उस विषय के ऊपर वीडियो बनाना स्टार्ट कर दूंगा। साथ ही अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना ताकि आपको वीडियो मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।